देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती आ रही है। महंगाई के विरोध में रायपुर में महापौर एजाज ढेबर ने पूरे दिन साइकिल से दौरा किया। महापौर ने केंद्र सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के नेता बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन किया करते थे, वे नेता आज क्यों मौन है। सबसे पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम में इतनी वृद्धि हुई है, ये पहली बार है जब पेट्रोल और डीजल में सिर्फ 1 रुपए का अंतर है। और वो नेता लोग कहाँ गए जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 62 रुपया 60 रुपये में जब 4 आना 8 आना बढ़ता था तो इन लोग साइकिल से और बैलगाड़ी से ये लोग संसद भवन पहुंचते थे। आज मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब है, जब मिडिल क्लास जो बेचारे गरीब मजदूर ऑटो ये सब बेचारे जो बस वाले ये जब जब इतनी बुरी मंदी से देश गुजर रहा है, तब इतनी वृद्धि करने की क्या जरूरत है।